हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं रेवाड़ी से आजाद उम्मीदवार रणधीर सिंह कापड़ीवास ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने गांव थारूहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां रणधीर सिंह कापड़ीवास का भारी समर्थन देखने को मिला। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत का मुझ पर लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है कि मैंने 2014 में कहा था कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। राव का ये आरोप 100% झूठा है, लेकिन ये आज की तारीख में अपनी उम्र के तकाजे को देखते हुए कह सकते हैं कि ये अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कापड़ीवास ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर भी परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अब जनता किसी भी कीमत पर वंशवाद की राजनीति नहीं चलने देगी। जनता अब बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। तो लोगों को भारी जनसमर्थन मिल रहा है और लोगों का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, रणधीर सिंह कापड़ीवास का सीधे तौर पर यहां वार भी नजर आया और रेवाड़ी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर रणधीर कापड़ीवास मैदान में उतरे हुए हैं। और रणधीर सिंह कापड़ीवास ने चुनाव प्रचार जब शुरू किया तो उसके बाद लोगों के बीच पहुंचकर वो बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि इलाके में क्या हुआ है, कितना काम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले तक की जो स्थिति बनी रही और जो उनके साथ हुआ और राजनीतिक रूप से जो जिस तरीके की आज परिस्थितियां बन गई हैं उसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर वार भी किया। उन्होंने कई चीजों को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता यदि एक बार फिर से साथ देती है तो इलाके को तेजी के साथ आगे विकास की पटरी पर लाया जाएगा। भाई भाषण दे रहे थे साथी हमारे, पर मैं खाना खा रहा था पब्लिक के बीच में बैठ के, क्योंकि जनता खुद खड़ी हो गई। पहले भी कहा था मैंने, जनता लड़ रही है चुनाव। ये इंद्रजीत द्वारा छोटा हुआ सगोफा है, इतनी झूठ बोलता है, इतना बड़ा आदमी होके कहता है। पिछले बार रणधीर सिंह ने कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये महा झूठ है, मैंने किसी के सामने नहीं कहा ये बात। आज तो कह सकता हूँ मैं उम्र के लिहाज से कि अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर अभी तो दम है। और जो कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र में, भाई कप्तान साहब अगर मुझे बूढ़ा मानते हैं तो मेरे से हाथ मिला ले और कुश्ती कर ले, जो काम करना चाहे वो कर ले, पता लग जाएगा जवान क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है।